इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक थाना कोतवाली में, जहां पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में कारी ओवैस की हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले पर जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, रात के लगभग 10:30 बजने वाले हैं और यहां पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और उनका ये कहना है कि जो अभी पुलिस ने धारा 304 लगाई है, उसको 302 में तब्दील किया जाए। 302 इसलिए क्योंकि इसमें सीधा मामला हत्या का बनता है। हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त आरिफ कासमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आरिफ कासमी साहब आपका माइनॉरिटी न्यूज़ में। इस वक्त जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक लगभग 2 दिन हो चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं सुबह से, आपकी क्या राय, क्या मानना है, क्या पूरी तरीके से हम ये मान के चलें इस वक्त कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और देर होना बाकी है अभी इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर? आसिफ साहब, मैं पहले तो अपना तारुफ करा दूँ, मैं ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन से हूँ और इस वाक़े को तकरीबन आधी दुनिया देख रही है जी। हिंदुस्तान के अक्सर नेता, अभिनेता और समाज के तमाम लोग, उलमा हजरात जी, पार्लियामेंट में, असेंबली में इस बात की आवाज़ उठा रही है कि मॉब लिंचिंग जहाँ पर भी होता है, यानी कि भीड़ के जो लोग होते हैं वो किसी को भी उसकी शक्ल के आधार पर, उसके मज़हब के आधार पर घेरते हैं और उसको पीटते पीटते मार देते हैं। इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है। अभी जैसे परसों का जो वाकया है, कारी ओवैस साहब जो बेचारे बहुत ही नेक और शरीफ आदमी थे, बहुत ही कमज़ोर आदमी थे, वो इमामत की तलाश में दिल्ली आए और जब वो गांव वापस लौट रहे थे तो वाकया तो तकरीबन लोग सुन ही चुके हैं कि एक छोटी सी लीड जो थी, वो मोबाइल का जो वायर होता है, उसको ख़रीदने पर उन्होंने कहा भाई ये 30 रुपये की हम ले लेंगे, उन्होंने कहा नहीं ये तो 50 की। इस बात पर वो जैसे उनकी बहसों में वासा हुआ, फौरी तौर पर उन्होंने उनका गिरेबान पकड़ा और उनको पीटते पीटते यहाँ तक कि उनको मार डाला। उनके साथ जो 2 गवाह हैं, जो 2 लड़के उनके साथ थे, वो भी मौजूद रहे आखिर तक। लेकिन इन्होंने किया क्या है कि जब उनको चोट मारी है तो या तो उनका गला दबाया है या कहीं सर पे ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से उनका सांस रुका जी। या उनके दिल पर कोई ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से उनको इस तरह का जो सांस रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई जी। और उसके साथ साथ इन्होंने बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह किया है कि जो मुलजमीन हैं उनमें से किसी एक को कंप्लेनेंट बनाया और गवाह बनाया कि मैंने अपनी आंख से देखा है और ये वाकया इस तरह का है कि यहाँ पर 2 लोग थे, उनके आपस में हुई, जब हम सब लोग चले गए तो हमें ये मुर्दा हालत में मिले, तो इस तरह से केस कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो हमारे जो कारी ओवैस साहब के जो 2 साथी थे वो मुस्तकिल उनके साथ रहे और गवाही देने पर मुस्तकिल वो यहाँ मौजूद भी हैं और उन्होंने 161 का बयान यहाँ SHO साहब के सामने दिया भी, SCP साहब के सामने भी दिया है। लेकिन अभी तक जो उन्होंने 304/30 यानी कि 304/30 जो उन्होंने केस किया है गैर इरादतन कत्ल का जो मामला होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई सज़ा नहीं होती, कभी कभी उसमें ज़मानत भी हो जाती है, कभी कभी उसमें गवाह भी टूट जाते हैं। हमारी मांग यहाँ इस थाने के सामने लेकर सिर्फ इतनी सी है कि जो ओरिजिनल जो गवाह हैं, जो आई विटनेस हैं, 2 जो उनके साथ थे, उनका बयान लेकर के इसमें री इन्वेस्टिगेट किया जाए। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट ये कर रहे हैं, वो जो क्या नाम उनका, जो पांडे जी हैं जिनके नाम से ये कंप्लेनेंट दिलवा रहे हैं, वो उन्हीं का अपना आदमी है, जब ये केस शुरू होगा तो वो गवाह, क्योंकि एक गवाह बनाया है, वो टूट जाएगा। जो असल गवाह हैं उसके साथ जो 2 लड़के हैं उनको ये गवाह मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है बहुत सारे काउंसलर्स बैठे हैं, अमरुद्दीन खान जो विधायक हैं ओखला से, चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड हैं, नाहिद हसन जो केराने से हैं, चूँकि केराने से मिला हुआ यह वाकया है, वहाँ एक जो गांव है गढ़ी दौलत कांदले के बराबर में, वहीं के MLA हैं नाहिद हसन, वो भी बैठे हैं और गढ़ी दौलत से तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और दिल्ली के तमाम इलाकों से लोग जोक दरजोक यहाँ मौजूद हैं भीड़ में। मतलब अपनी मांग ये कर रहे हैं कि 304 का जब वाकया नहीं है, सीधे सीधे तौर पर जब वहाँ FIR में लिखा है, जब ये FIR में लिखा है कि जब वहाँ उसको मारना शुरू किया और उसको पीटना शुरू किया, उसकी यह हालत हो रही, वो नीचे गिरा और मर गया, तो 304 का मतलब तो ये होता कि किसी ने गैर इरादतन कोई इस तरह की टक्कर लग गई या कोई दीवार लगी है, इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है कि उनका इरादा नहीं था। लेकिन वो मारते हुए उन गवाहों की बुनियाद पर, जो गवाह हैं वो अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि वो बार बार ये कह रहे थे कि मार डालो इसको, मुसलमान है, मुल्ला है, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और अभी जो इस तरह का मामला इन्होंने
फौरी तौर पर जो दो आदमियों की गिरफ्तारी की है, ये गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी, चूँकि जिस आदमी का नाम ये सरफराज कह रहे हैं या अयूब कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू था, उसके हाथ में राखी का पटा बंधा हुआ था, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान को जो बंद किया है वो गलत है, ये असल मसला हिंदू का है और ये दूसरी तरफ कन्वर्ट उसको करना चाह रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त आप लोग देश के अंदर जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जो फिलहाल मोब लिंचिंग की वारदात हर हफ्ते हमारे देश के अंदर होती चली जा रही हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? मैं उन तमाम लोगों से जो आपकी टीवी चैनल से, जो भी आपका माइनॉरिटी मीडिया चैनल है, जो भी इसको देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल दिन में तमाम के तमाम लोग 10, 20, 50, 100, 4, 10 अपनी एक जमात बना करके अपने इलाके के डीएम को जाकर के रिपोर्ट करें कि भाई इस तरह की जो भी मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है उसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, और कारी उवैस के साथ जो मामला हुआ है अपने अपने इलाकों में सब जगहों पर एक मेमोरेंडम दें, डीएम से जाकर के मिलें, अपने एसएसपी से जाकर के मिलें और अपने अपने इलाकों में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमसे बात करने के लिए, आपका शुक्रिया।